हेलो फ्रेंड्स, आज हम चक्रासन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन व्यक्ति ये आसन ना करे। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट हैं, हर्निया है, पेट में सूजन है, चक्कर आते हैं, कमर या गर्दन में दर्द रहता है, तो वो व्यक्ति ये आसन ना करे। इस आसन के फायदे हैं, ये कठिन अभ्यास है लेकिन ये आपकी फुल बॉडी को शेप में लाता है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। आराम से अपने मैट पर सीधा लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दे दें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के पास रख लें। अब अपनी बॉडी का बैलेंस बनाएं और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस भरते हुए। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करें। अभी मेरे पैर मैट से लगे हुए हैं। अब हम अपने पंजों के बल आ जाएंगे और एड़ियों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। इस आसन के नियमित अभ्यास से आप ये कर पाएंगे। पैरों को मैट से लगा लें और आराम से पहले सर को नीचे लाएं, फिर कमर के हिस्से को, फिर हाथों को और फिर पैरों को सीधा करें। शवासन में लेटे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। आप इस आसन को 3 से 4 बार कर सकते हैं। एक साइड करवट लेकर व्रजासन या सुखासन में बैठ जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।